बड़ी बात है कि हमारी सिटी दिन ब दिन सिक हो रही है, बीमार हो रही है। इसलिए जब कौम तजज़ुब में रहता है तो दिमागी तौर जो दिमागी हालात है तो इंसान मफलूज हो जाता है। उसका भी एक बुरा वजह है कि जो सोसाइटी में हम डोमेस्टिक वायलेशन रात दिन देखने को मिलती है, ये भी एक वजह है। दूसरा वजह यह है कि जो मुनशियात का ग्रैब दिन ब दिन बढ़ता है, 2 साल पहले बिल्कुल नीचे आया था लेकिन अब फिर बढ़ गया है। अच्छे अच्छे ऊँचे ऊँचे घरानों के चश्मों चराग ये मुनशियात की वजह से कब्रिस्तान जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा वजह है कि मुनशियात का भी इसमें बड़ा असर है। और तीसरी बात है कि जो शराब है हमारे सोसाइटी में, अब ये आसान हो गया कि कोई भी इस तक पहुँचता है और कोई भी इसको हासिल कर सकता है। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी है, जब तक ये तीन चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, कम नहीं होती है, मिटती नहीं है, तब तक डोमेस्टिक वायलेशन जो है यहाँ रुक नहीं सकती है। मेरी ये गुजारिश है सबसे कि सबको ख्याल रखना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर बाहर जाता है तो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, किस तरह से जाता है। एक बार अगर उसको मुनशियात की लत लग गई तो सीधी सी बात है वो अपने बाप के हाथ से भी गया, माँ के लिए भी उसके बाद उसके आए ही काफ़ी है। तो लिहाजा ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में हर फर्द, चाहे वो किसी भी मसलक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, ये सोसाइटी हमारी इसी तरीके से जिस तरीके की कश्ती है, अगर उसमें कोई सुराख हो जाएगा तो सीधी सी बात है पूरी किश्ती जो जितने उसमें सवार हैं वो डूब जाएंगे। तो ये मुतहद तौर हम इस चीज़ को मनशियात को मिटाने के लिए कोशिश करें, और वो कोई ऐसी बात नहीं जिसमें कोशिश की जाए वो ख़त्म नहीं होती है। तो ये बात है कि जो यहाँ वाबस्ता है सोसाइटी के हर फर्द हर तबके से ही गुजारिश है कि मनशियात को मिटाने के लिए वो उठ खड़ा हो जाएं, तभी हमारी सुख चैन की सांसें नसीब हो सकती हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब